Hello everyone, welcome back to my channel. So I am Ayushi and I hope you all are doing good and stay safe. Friends, मैं आज आपके लिए एक रेंज का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि है रेओसिप की रेंज और ये मैंने purple.com से मंगाई थी. बहुत ही अच्छी रेंज है जिसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. तो उसको आप देखने के लिए पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास के बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि आप लोग मेरी वीडियोस आगे भी देख सकें. तो चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, मैंने गुड वाइब्स की तरफ से रोज़हिप रेंज से ये प्रोडक्ट्स मंगाए थे. इसके अलावा मेरे पास एक सीरम भी है जो यार ओवर होने वाला है इसलिए मैंने उसे नहीं इंक्लूड किया. ये है इसका स्क्रब, फेस मास्क, क्रीम और टोनर. फेस वॉश मेरा ओवर हो गया था तो वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ. मैं चार प्रोडक्ट्स का रिव्यू ही इस रेंज में आपके साथ शेयर करूंगी. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रोज़हिप रेंज ऑल स्किन टाइप के लिए, कोई भी स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको इसका टोनर दिखा देती हूँ. ये है गुड वाइब्स का टोनर रोज़हिप रेंज का. और मैं आपको ये बता देती हूँ कि गुड वाइब्स एक नो पैराबेन, नो सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है जो कि बहुत अच्छी बात है. इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है और एक बिल्कुल नेचुरल है. तो ये है इसका टोनर जिसपे लिखा हुआ है कि ये स्किन क्लियरिफाइंग टोनर है. बहुत ही अच्छा टोनर है, प्लास्टिक बॉटल में, जिसकी क्वांटिटी है 200 ml और प्राइस है 245 rupees, बट ये हमेशा डिस्काउंट में मिल जाता है. और ये 2 इयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, बट आप अगर इसे रेगुलर यूज करेंगे 3 मंथ्स में ही ओवर हो जाएगा. तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस पहले. तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, रोज जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी. और आप देखिए इसका मिस्ट कितना फाइन है. बहुत ही अच्छा टोनर है जो हमारी स्किन को क्लियरिफाई करेगा, हमारी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. टोनर का तो काम ही होता है स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करना. और ये हमारे एजिंग के साइंस को भी दूर करेगा, हमारे पोर्स को जो होता है ना मिनिमाइज करेगा, ड्राइनेस को दूर रखेगा हमारी स्किन से और स्किन को रिफ्रेश करेगा. बहुत ही अच्छा टोनर है, हमारी स्किन पे ऑयल नहीं लेके आएगा, इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा. और सबसे अच्छी बात, ये अल्कोहल फ्री टोनर है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इरिटेशन भी नहीं होगी इससे. और हमारी स्किन को क्लीन भी करेगा जैसा कि ये क्लेम करता है. तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. मैं आपको सेकेंड इसका स्क्रब दिखाती हूँ, गुड वाइब्स का रोज़हिप का स्क्रब जो क्लेम करता है कि स्किन ग्लो फेस स्क्रब है, जिसकी नेट क्वांटिटी है 50 grams और इसकी प्राइस है 195 rupees 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ के साथ. बट ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा purple.com पे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. जैसा कि हर स्क्रब का काम होता है स्किन को एक्सफोलिएट करना, डेड स्किन को रिमूव करना, हमारी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना, वही स्क्रब भी वही काम करता है. और इस पर तो मेंशन भी है कि स्किन ग्लो फेस स्क्रब है, तो ये हमारे स्किन में ग्लो प्रोवाइड करेगा, स्किन से ब्लैकहेड्स को रिमूव करेगा. और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. ये है देखिए, ये एक लाइट पिंक कलर के टेक्सचर के साथ आता है, जिसमें छोटे 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 ग्रैनुल्स दे रखे हैं. आप देखिए, मैंने इस रेंज को एक्चुअली 2 ही बार यूज किया है, तो ये मेरा बहुत ज्यादा ओवर नहीं हुआ है. मैं आपको इसका टेक्सचर अपने हैंड पर दिखाती हूँ. फ्रेंड्स, जब स्क्रब हमारी स्किन पे को एक्सफोलिएट करता है ना, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी थोड़ा क्लियर करता है, क्योंकि वो डेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है. कि ये है इसका टेक्सचर जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिए हुए हैं और ये बहुत ही माइल्ड पार्टिकल्स हैं, तो ये स्किन पे हार्श नहीं होंगे बिल्कुल भी और बहुत ही इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे. देखिए, मैंने अभी पानी भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मेरी स्किन पे आप ग्लो देखिए. बहुत ही अच्छा स्क्रब है और मैंने आपको जैसा बताया रोज़हिप की रेंज तो है ही बहुत अच्छी, तो डेफिनेटली थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए. आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और अगर आप एक ही रेंज ट्राई करेंगे तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट देगी. अब मैं आपको इसकी क्रीम दिखा देती हूँ. ये है इसकी क्रीम जो कि क्लेम करती है कि मॉइस्चर रिच फेस क्रीम है, जिसकी नेट क्वांटिटी भी 50 ग्राम है, उसकी प्राइस है 225 rupees 3 इयर्स की एक्सपायरी के साथ, बट ये डिस्काउंट में आपको मिल ही जाएगी. और ये क्रीम करती है कि हमारी स्किन को क्लियर बनाती है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, ड्राइनेस को रिमूव करती है, इचिनेस को रिमूव करती है,
ग्लो लेके आती है। ये ऑल स्किन टाइप है तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ये मुझे भी सूट करी है। मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। और पता है ये क्रीम ना हमारी डलनेस को रिमूव करेगी और हमारे जो डार्क स्पॉट्स है उन्हें भी रिड्यूस करेगी। ये देखिए पिंक कलर की क्रीम है जो कि बहुत ही लिक्विडी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी की है। मैं आपको इसे अपने हैंड पर दिखाती हूँ। रोजिप की रेंज में अपने नाइट टाइम में यूज करती हूँ, इसलिए मैंने इसे एक हफ्ते में ही यूज किया है। लुक एट दिस, बहुत ही इजी हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है ये, और कोई भी व्हाइट कास्ट वगैरह नहीं छोड़ती है ये। तो मेरे लिए थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए भी। एक्चुअली मेरी रोजिप की पूरी रेंज के लिए थम्स अप। तो इसका मास्क दिखा देती हूँ। ये है इसका मास्क जो कि क्लेम करता है कि स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस मास्क है, और ये डेफिनेटली स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस मास्क है क्योंकि मैंने इसे बहुत यूज किया है और ये मेरी स्किन पर जब भी मैं यूज करती हूँ ग्लो प्रोवाइड करता है। इसकी नेट क्वांटिटी है 60 ग्राम, तो इसकी प्राइस है 235 रुपीज, और इसकी एक्सपायरी भी 3 ईयर्स की है, तो आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। फेस मास्क क्लेम करता है कि इल्यूमिनेटिंग फेस मास्क है, ग्लो प्रोवाइडिंग फेस मास्क है, ये हमारे एक्ने के स्कार्स को लाइट करता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, एजिंग के साइंस को रिड्यूस करता है, स्किन में इवननेस लेके आता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम फेस मास्क और ये जो रेंजेस है हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारी स्किन इवन बनी रहे, स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है ये प्रोडक्ट्स। और ये मास्क भी बहुत अच्छा है, मेरे लिए थम्स अप है। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, मैंने इसे कितना यूज किया है और कितना सा बचा है। ये भी एक मीडियम टेक्सचर में आता है, पिंक कलर का क्ले मास्क है ये, और ये लगने के बाद कोई भी इरिटेशन नहीं देता है स्किन पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये रेंज का रिव्यू मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत सूट किया ये। लेकिन आप लोग इसे यूज करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर ले, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मेरी स्किन को सूट करेगा वो आपकी स्किन को भी सूट करेगा। सो फ्रेंड्स, इस रेंज के लिए मेरी तरफ से तो थम्स अप है क्योंकि एक ऑल स्किन टाइप रेंज है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू गुड वाइब्स की रोज हिप रेंज को लेकर। आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आप आगे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।